दोस्तों पहले हम भी बैटरी चेक करते थे तो हम लोग का बैटरी चेक करना इसी टाइप का था लेकिन दूसरे ढंग का था, सफेद टाइप का। अभी थोड़ा दूसरे ढंग का है तो खुद कर ले रहे हैं। दोस्तों हम तो गाड़ी इतना भगा के लाए और इतना फोन पे फोन हो रहा था, अभी वहाँ से पार्टी बोला कि हम आ रहे हैं आपको लेने के लिए। दोस्तों अभी ये लोग तो इतना सिटी के अंदर ले आए है, तार का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि तार बहुत नीचे है। दोस्तों अभी आ गए यहाँ पे, गाड़ी तो लगा दिए हैं और देखिए चौक पे मेरा गाड़ी लोड होगा तो यहाँ कहाँ के मोन्टी का लफड़ा भाई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए बोलो आपसे का फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी हम सरायपल्ली आ चुके हैं और अभी टाइम 11 हो चुका है और हमारा गाड़ी भी लग चुका है खाली होने में। देख सकते हैं मेरा गाड़ी जो है गोडाउन में लगा हुआ है और खाली भी हो रहा है यहाँ पे, और ये खाली भी करके फिर देखते हैं प्लानिंग कहाँ का क्या होता है क्या नहीं, अभी तो क्लियर नहीं हुआ है। तो सेठ हमारा एक दो कॉल किया, सेठ हमको पूछे हमसे कि क्या हुआ, खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा करके, तो हम बता दिए उनको कि इतना खाली हुआ ये हुआ। तो ठीक है दोस्तों, इंतजार करते हैं सेठ जी का, वो कहाँ के लिए बोलते हैं क्या करते हैं, तो फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग। और यहाँ बहुत दिन बाद आके सरायपाली सिटी के अंदर जो हम आए ना बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद हम इधर आए क्योंकि हम लोग का बाईपास रोड हो गया तो उधर से निकल जाते थे और ये अपना पुराना रोड है तो पुराना जगह रुके तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर देख करके, हर चीज़ हम पहचान रहे थे कहाँ नाश्ता किए कहाँ रुके। ठीक है दोस्तों पहले खाली कराते हैं। दोस्तों अभी हमारा गाड़ी तो खाली हो रहा है, करीब लग रहा है कि एक घंटे के आसपास गाड़ी खाली हो जाएगा। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे बैटरी चेक करवा रहे हैं, जो दोस्तों हमारे साथ टाटा में हो गया था ना वो बैटरी डाउन हो गया था उसी को लेकर चेक करवा रहे हैं ना। हाँ थोड़ा सा अंदर है ना तो पानी भी चेक करने में नहीं बनता है, तो उसको पानी भी चेक हो जाएगा और कुछ गड़बड़ होगा तो पानी कम भी होगा तो वो भी डला जाएगा क्योंकि अंदर थोड़ा चेक नहीं हो पाता है। तो अभी मिस्त्री लोग आया हुआ है, लड़का मिस्त्री लोग यहीं का है और भी लड़का लोग सब है, ये भी मिस्त्री है यहीं का है। मिस्त्री नहीं मिलने के लिए आए थे भैया। नाम क्या आपका? अनुराग यादव। अनुराग यादव से। अच्छा चलिए अच्छा, तो भाई हम लोग काम करवा रहे हैं अभी, ये सब मिलने भी आए थे यहाँ पर, इन लोगों को पता चला मेरे ब्लॉग से कि हम ये आए हुए तो आए मिलने के लिए। दोस्तों अभी काम कराते हैं, पहले चेक कराते हैं, तब तक खाली भी हो रहा है ये भी काम हो रहा है। अभी दोस्तों एक बैटरी खुल गया है और एक थोड़ा जाम हो गया है तो उसी को खोलने में टाइम लगेगा अभी, तो ये सब मैं अभी देख रहे हैं पानी है कि पूरा खत्म हो गया। पानी तो दिख रहा है लेकिन थोड़ा कम है, डालना तो पड़ेगा ही, थोड़ा पानी कम भी है और अच्छी तरह से धुल भी जाएगा। अभी दोस्तों हमारा दोनों बैटरी खुल गया है, ये देखिए पीछे वाला और ये रहा आगे वाला। दोस्तों पहले हम भी बैटरी चेक करते थे तो हम लोग का बैटरी चेक करना इसी टाइप का था लेकिन दूसरे ढंग का था, सफेद टाइप का। अभी थोड़ा दूसरे ढंग का है तो खुद कर ले रहे हैं, ये लड़का लोग भी जान रहे हैं कैसे चेक किया जाता है। ये देखिए पानी का कितना ग्रेविटी है वो देखना पड़ता है, मतलब एसिड का मात्रा कितना है इसमें, 1250 मतलब होना चाहिए था, थोड़ा सा कम है, थोड़ा इसमें एसिड डाल देंगे तो 1250 ये हो जाएगा। ऐसे तो दृष्टि वाटर डालते हैं, इसका कितना है ये भी उतना ही है। ठीक है बाबू, अब तुम लोग नया मॉडल का नापो अपने से, देखो सही नाप रहे कि नहीं आपका। पुराना है आदमी है तो भाई अपना दिमाग लगाएंगे ही। पानी दोस्तों अभी आ चुका है तो सब में डाल ले रहे हैं, देखिए ये जा रहा पूरा, एसिड अभी डालिएगा इसमें की बाद में, देखिए अभी पहले पानी भर ले रहे पूरा। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं और अब जाके हमारा गाड़ी खाली हो गया पूरा, ये देखिए बस लास्ट का थोड़ा सा बचा हुआ है और अभी हो जाएगा तुरंत ही। दोस्तों गाड़ी तो खाली हो गया और हम लोग जा रहे हैं, मतलब समय काफी लग गया, 2:30 बज गया, तो हम लोग भूख भी लग गया खाना वाना खाने के लिए, तो इस रोड का एक पुराना होटल ढाबा था तो चलते वहीं पे देखते हैं क्या पैसे में, अभी उस समय दूसरे ढंग का था जो गाड़ी भी चलता था, अभी क्या है तो चलते हैं दोस्तों उसी होटल पे खाना खाते हैं। दोस्तों अभी हम लोग होटल के पास आ चुके हैं तो ये रहा होटल मंजीत ढाबा, पापा बोलते हैं पहले यहीं पे आते थे वो खाने के लिए, तो अभी हम लोग यहीं जा रहे हैं। शुभम और पापा तो अंदर चले गए अभी, ये देखिए यहाँ पे। दोस्तों अभी हमारा खाना आ चुका है तो हम तो ऑर्डर किए थे सेव भाजी दूध में और शुभम का मसाला वाला है और पापा दाल तड़का। तो खाना तो अपना हो गया, वही स्वाद मिला पहले ही वाला ही, अब इनका तो अपने पापा जी लोग कहते थे, अब तुम लड़का लोग है, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हम ये पुराना रोड पे आने के बाद तो आदमी होटल पर रुकता ही है, जो पुराना होटल है तो हम ड्राइवर लोग को तो आदत ही होता है कि जब भी रोड पे जाते हैं पुराना होटल पर ही जाकर रुकते हैं। देखता हूँ आपका, देखा चला रहा है दोस्तों, खाना वो खा कर तो निकल गए हम लोग, देख सकते हैं कि अंदर वाला रोड से जा रहे हैं हम लोग मेन रोड जो है रायपुर जाने वाला, क्योंकि हम लोग को जाना है बिलासपुर और बिलासपुर जाने के लिए यही रास्ता, जितना में यहाँ से रायपुर जाएंगे उतना में यहाँ से हम बिलासपुर पहुँच जाएंगे, थोड़ा अंदर का रास्ता है ये। तो पहले तो सब रोड में हम चले हैं डाला गाड़ी ले करके, लेकिन थोड़ा कंटेनर है तो थोड़ा इसमें थोड़ा देख के चलना पड़ता है,
हालांकि गाड़ी तो उतना नहीं चलता इसमें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम पता किए हैं तो बोले कि नहीं गाड़ी वाला कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी जाता है। तो अपना भी थोड़ा सा काम है, देख करके तार देख के चलना पड़ता है। और अपना लोडिंग का बात हो गया है, सेठ जी जो है बिलासपुर से लोडिंग बात किए हैं, तो उसी के लिए हम बिलासपुर जा रहे हैं। अब देखते हैं अगर टाइम से पहुंच जाए तब तो आज अपना लोडिंग हो जाएगा, और टाइम से नहीं पहुंच पाए तो हो सकता है रुकना पड़ जाए, फिर कल लोड होगा। तो ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं सिंगल रोड है और निकल रहे हैं हम लोग सब तार उर को देखते हुए। दोस्तों अभी शाम का 5 बज चुका है और अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं है, पहले तो गांव वाला रोड से आ गए बीच बीच से, अब यहाँ मेन रोड आ गया, ये धरसीवा पहुँच चुके हैं हम लोग। तो ये अपना सारंगढ़ और सिविल लाइन वाला रोड मेन रोड है, तो ये आ गया, छोटा सा बाजार है ये धरसीवा। इधर का रोड में क्या है कि गाड़ी चलता है, ये सब बड़ा गाड़ी है, इधर वाला में चलता तो आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आ गए हम भी, लेकिन लोग तो बोलता है चलता, लेकिन अपना को भी तो देखना पड़ता थोड़ा तार वगैरह सब। देखिए ये मेन रोड आ गया, अब यहाँ से सिवनी लाइन के लिए हम मुड़ रहे हैं और राइट मुड़ेंगे तो अपना सारंगढ़ होते हुए फिर रायगढ़ चला जाएगा। ये देखिए ये अपना मेन रोड आ गया, अब इसमें क्या है कि हमको तार का टेंशन नहीं है क्योंकि मेन रोड पे हम लोग बेधगड़ चलते हैं, एक हम ही चलने वाला अकेला नहीं है, बहुत गाड़ी चलता है कंटेनर गाड़ी जो है, तो इसमें बेधगड़ चल सकते हैं इसमें, और उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता था। दोस्तों अभी हम सिवनी लाइन पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं सिवनी लाइन का ब्रिज है ये। अब उस पार क्या है कि अब हम लोग जो रोड पकड़ने वाले हैं उस रोड से भी हम कभी गए नहीं है कंटेनर लेकर के, लेकिन लोगों से पूछे हैं तो बताता है कि नहीं गाड़ी जाता है, तो खैर अगला का बोलने में और अपना खुद चलने में बहुत फर्क पड़ता है। तो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं वो आपको पामगढ़ होते हुए बिलासपुर जाती है वो रास्ता, तो एक बार चल जाएंगे तो अपना क्लियर भी हो जाएगा कि हाँ बड़ा गाड़ी कोई दिक्कत नहीं है, एक थोड़ा आराम चलना पड़ता है, दिन रहता तो और अच्छा रहता, कोई तार वगैरह देखने को मिलता, बहुत अंधेला हो जा रहा है। और अभी भी बिलासपुर यहाँ से 60 किलोमीटर बचा हुआ है। दोस्तों अभी रात के 7 बज चुका है, हम लोग आ गए बिलासपुर, लेकिन समस्या ये है कि जहाँ जाना हुआ नो एंट्री एरिया है, और जो पार्टी है वो शायद बाहर का पार्टी है, यहाँ से माल उठा रहा है, तो उसको पता नहीं चला, आइडिया नहीं था उसको, अब हमको कहीं रास्ता नहीं मिला, तो यहाँ हमारे भाई साहब लोग हैं लोकल वाले सब, इनसे हम रास्ता पूछ रहे हैं, तो ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ तो उस जगह जाने के लिए नो एंट्री पड़ेगा, तो अभी पार्टी को खुद बुलाया यहाँ पर, अब वो दिमाग लगाया हुआ कि अभी का अभी लोड करना है, ड्राइवर लोग हैं तो इन लोगों को पता है सब कौन सा गली में इतना बड़ा गाड़ी जाएगा किसमें नहीं जाएगा, अब वो बता रहे जबरदस्ती उधर से आ जाओ उधर से आ जाओ, तो गाड़ी जाने लायक है नहीं, नो एंट्री के बाद ही जा सकता है गाड़ी, तो देखते हैं वो भी आने वाले हैं और कौन सा रास्ता बताते हैं, देखते हैं वो भी। दोस्तों हम तो गाड़ी इतना भगा के लाए और इतना फोन पे फोन हो रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग खड़ा हो गए बिलासपुर में, अभी हमारे सस्का भाई भी कुछ मिले यहाँ पर, वो लोग उनसे पूछे कि भाई यहाँ जाना कैसे जाना होगा, तो बोले कि नो एंट्री एरिया आप नहीं जा सकते, वो लोग जानता है बड़ा गाड़ी चलने वाला ड्राइवर वो लोग है जानता है, तो अभी वहाँ से पार्टी बोला कि हम आ रहे हैं आपको लेने के लिए, हम ठीक आइए अच्छी बात है, तो वो आया लेने के लिए छोटा हाथी ले करके, देख सकते हैं उस पार में खड़ा है छोटा हाथी, उसमें पार्टी बैठा हुआ है ड्राइवर बैठा हुआ है, तो आकर के हमसे बताया कि चलिए, डैड बोलता चलिए, तो हम के कैसे लेके जाओगे बताओ, जब वो बताया तो वो ड्राइवर जो था बताया उसको कि भाई आप उधर कैसे लेके जाओगे इतना बड़ा गाड़ी, अभी तो नो एंट्री है, तब वो टेम्पो वाला को समझ में आया कि अरे हाँ बड़ा गाड़ी का तो नो एंट्री होगा, अब छोटा गाड़ी वाला को नहीं पता रहता है ना कि क्या नो एंट्री है क्या नहीं है कहाँ लगता है क्या लगता है, तो वही लेकर के भी हम खड़े हैं यहाँ पर, तो रात में हालांकि लोड हो जाएगा मेरा गाड़ी माल थोड़ा सा, मतलब ये पार्टी बाहर का है इसका कहना है कि लोड करके हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो लेबर भी बिठा रखा है माल भी तैयार है, तो बिलासपुर तो आ तो जरूर रहे हैं, और हमारे बिलासपुर वाले भाई जितने भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उनको थोड़ा सा लगेगा क्योंकि हम आए मुलाकात हो सकता नहीं हो पाएगा क्योंकि रात में ही निकल जाएंगे, नो एंट्री का माल है तो नो एंट्री में मतलब लोड होगा रात में ही हमको निकाल देगा, तो ठीक है दोस्तों अभी हम लोग नो एंट्री खुलने की तैयार कर रहे हैं, रात को 10 बजे नो एंट्री खुलेगा तो फिर यहाँ से निकलेगा, और हमारा माल जो है इस बार लोड हो रहा है हैदराबाद का,
तो हैदराबाद का अपना माल लोड करने आए यहाँ पे। और ठीक है दोस्तों, देखते हैं कितना जल्दी रात में ये लोग कितना इधर छोड़ता है हमको। दोस्तों अभी 9:30 बज चुका है और 9 एंट्री खुल गया, तो अब हम लोग गाड़ी लेके निकल गए हैं। तो वो जो साथ में आदमी था वो आगे आगे चल रहा है, उसके पीछे पीछे हम लोग। दोस्तों अभी ये लोग तो इतना सिटी के अंदर ले आए है, ये देखिए पूरा अभी सिटी के अंदर से जा रहे हैं हम लोग। तो तार का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि तार बहुत नीचे नीचे है, वही तार देखते हुए जाना पड़ रहा है। जाइए जाइए जाइए, धीरे धीरे जाइए, निकल गया जाइए। दोस्तों अभी आ गए यहाँ पे, गाड़ी तो लगा दिए हैं, अपना सब रेडी में है। और देखिए चौक पे मेरा गाड़ी लोड होगा, तो यहाँ कहाँ के तो नोंटी का लपड़ा तो आई है यहाँ पर। तो मतलब बता रहे ना, किलो को आइडिया भी नहीं है कि इस एरिया यहाँ गाड़ी आ सकता है नहीं आ सकता। अब भी चौक है, अगर मान ली रात तो बात नहीं क्लियर है, दिन रहता तो या तो पूरा जाम रहता है, आधा रोड में तो मेरा गाड़ी खड़ा है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब वहाँ से टेम्पू से माल लेके आएगा तो मेरे गाड़ी में लोड करेगा। ठीक है देखते हैं दोस्तों, बोला तो है कि 1 घंटा में कर देंगे, कोई बड़ा बड़ा कार्टून नहीं होगा। इधर से ही निकल जाएंगे हम, इधर से सीधा रायपुर निकलेंगे यहाँ से। तो ठीक है लोड कराते हैं अभी। दोस्तों अभी यहीं अंदर से लेके आ रहे हैं वो लोग माल, तो छोटा हाथी से लेके आके और यहाँ अपना ट्रक खड़ा है एकदम साइड में, तो ला ला के देंगे। और दो दोस्तों ये लोग लेबर लोग भी आए हैं, ये लोग लोड करते जाएंगे धीरे धीरे। दोस्तों अभी रात के 12 बजने वाले हैं और हमारा गाड़ी लोड हो गया है, ये देखिए। अब हम लोग लेके इसको निकलेंगे, तो उधर वापस जाना पड़ेगा हम लोग को। आए तो इधर से थे, लेकिन इधर अब जाना नहीं है, अब रायपुर की तरफ जाना है, तो इधर से घूम के जाएंगे। दोस्तों माल तो हल्का ही लोड हुआ गाड़ी में और हम लोग अभी निकल गए, रात के करीब 12 बज गया। तो 12 बजे हम लोग बिलासपुर से निकल रहे बाहर जाते हैं, क्योंकि सुबह तो सेठ से अपना लेना है, हिसाब उसाब भी होगा ना, डीजल डालेगा और खर्चा वगैरह सब। तो सुबह हम लोग रायपुर पहुँचना है, तो कहीं पर देखते हैं अच्छा जगह कहीं देख करके रुकेंगे, फिर अपना सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है। दोस्तों आप लोग तो देखे थे कि हम रात में भर के वहाँ से निकल गए थे, बिलासपुर से रात में ही लोड हो गया, रात में ही निकल गए। अभी हम इसलिए लेट कर रहे हैं यहाँ पे कि रायपुर हमको पहुँचना था, सेठ जी हमको बिल्टी वगैरह बना कर देंगे और डीजल वगैरह सब देंगे, तो इसलिए हम यहीं पर रुके हुए सिलतारा में, यहीं पेट्रोल पम्प में रिलायंस पम्प, पहले भी कई बार यहाँ रुके हैं यहाँ पे, यहाँ अच्छा सुविधा अच्छा लगता है हमको। जाते हैं रायपुर में, हमें बिल्टी वगैरह बनवाते हैं, सब लेते हैं डीजल वगैरह, फिर वहाँ से निकल जाएंगे नागपुर के। तो नागपुर होके ही जाएंगे हम लोग, माल तो हैदराबाद का हो गया है, तो जा रहे हम नागपुर होकर। दोस्तों आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा नागपुर का सफ़र और आगे का सफ़र। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।